वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड सीरीज। ये हमारी नई सीरीज है, ये शाकुंभर यूनिवर्सिटी के लिए हमने जो एक इस बार जो एमसीक्यू आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उसको सेलेक्ट करा है, और मैं चाहता हूँ आप सभी इस पर फोकस भी करें और भी पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कंप्यूटर ग्राफिक्स के। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स अलाउज कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन सिमुलेशन एंड एनिमेशन आर्ट एंड कॉमर्स, तो ये सभी में यूज होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द टेक्निक यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इमेज ऑन द सीआरटी इज, जो हमारी जो इमेज प्रोड्यूस होती है सीआरटी पे वो कैसे होती है, रास्टर से या वैक्टर स्कैन से या बोथ ए वी? तो बोथ ए एंड वी, रास्टर और वैक्टर स्कैन दोनों से ही। तो बी सी इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर स्कैन टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड, वेक्टर स्कैन को हम क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है रैंडम स्कैन। इसे हम क्या कहते हैं, रैंडम स्कैन कहते हैं। इन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले बफर मेमोरी यूज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या होता है बफर मेमोरी को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है रिफ्रेश्ड बफर। क्या कहते हैं, रिफ्रेश बफर। इन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले द फॉस्फो इज टू बी रिफ्रेश एट लीस्ट, कितने टाइम्स होता है, तो 30 टाइम्स होता है इज द करेक्ट आंसर सी, 30 टाइम्स पर सेकेंड। इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले द डिस्प्ले इमेज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वंस में होती है जीरो में होती है, तो आंसर इज वन एंड जीरो दोनों फॉर्म में होती है। ऑन ए ब्लैक और वाइट सिस्टम विद वन बिट पर पिक्सल द फ्रेम बफर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिट मैप। क्या कहते हैं, बिट मैप। द प्रोसेसर ऑफ डिजिटाइजिंग ए पिक्चर डेफिनेशंस गिवन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू ए सेट ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू इज कॉल्ड, हम कहते हैं स्कैन कन्वर्जन। क्या कहते हैं उसे हम, स्कैन कन्वर्जन। द साइज ऑफ फ्रेम बफर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन पे, नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स पे, बोथ ए बी एंड सी, तो आंसर है बोथ बी एंड सी, रिजोल्यूशन पे और कलर्स पे भी। द पुट पिक्सल फंक्शन ड्रॉ पिक्सल स्पेसिफाइड इंटेंसिटी कलर साइज और शेप, तो बी इज द करेक्ट आंसर, कलर। द लाइन इज सेट टू बी इंटीरियर टू द क्लिपिंग विंडो इफ पॉइंट्स इज द इंटीरियर टू द विंडो, अगर हमारा क्या होगा, बोथ एंड, बोथ एंड, इफ बोथ एंड पॉइंट इज और आर इंटीरियर टू द विंडो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन एल्गोरिथम एजेस कैन बी स्पेसिफाइड इन द डिफरेंट कलर, फ्लड फिल में, बाउंड्री फिल में, डीडीए, बीएसए, तो फ्लड फिल एल्गोरिथम में। ओके, द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड पॉलीगॉन फिलिंग, पॉलीगॉन फ्लो, एलाइजिंग और नन ऑफ दीज, तो आंसर है पॉलीगॉन फिलिंग। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम यूजेस कॉल टू द फिल फंक्शन, कौन सा कॉल हमारा करते हैं फंक्शन, तो रिकर्सिव फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन। द एल्गोरिथम यूज टू फिलिंग द इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड फ्लड फिल एल्गोरिथम, क्या आंसर है इसका, फ्लड फिल एल्गोरिथम। पॉलीगॉन कैन ड्रॉ ए सीरीज ऑफ ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रेपेज़ॉइडल्स, तो ट्रेपेज़ॉइडल बी इज द करेक्ट आंसर। द क्लिपिंग विंडो इज मैप्ड इन टू ए विंडो, क्लिपिंग विंडो, वर्ड कोऑर्डिनेट और व्यू पोर्ट, तो आंसर इज द व्यू पोर्ट। डीडीए एल्गोरिथम बहुत ही लाइन ड्रॉइंग करने की बेस्ट और सबसे पहली एल्गोरिथम है डीडीए एल्गोरिथम, यूज फॉर क्या होती है, लाइन ड्रॉ ए लाइन। कोइन सीडोलैंड एल्गोरिथम यूज किस लिए होती है, पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिए, ग्राफिक कलर के लिए, लाइन क्लिपिंग के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, तो लाइन क्लिपिंग के लिए कोइन सीडोलैंड एल्गोरिथम यूज करी जाती है। The types of hidden surface removal algorithm, आपने देखा होगा hidden surface removal algorithm कौन सी होती है, answer is the Z buffer इसमें होता है, तो scan line algorithm, priority algorithm, BSA method, area subdivision method, depth comparison, Z buffer, back phase removal, तो तीनों answer सही है इसके, तो D is the correct answer। Thank you, hope so ये series आपको बहुत बढ़िया लगेगी। computer graphics की इसकी next video भी जल्द ही release हो रही है, तो आप देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और जहां तक आपको नॉलेज मिलती है आप लीजिए, गेन करिए। थैंक यू टू ऑल।